हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। सियासत के अखाड़े में कौन किस पर भारी पड़ जाए, कब किसकी बाजी पलट जाए, ये कोई नहीं जानता। हरियाणा चुनाव में बीजेपी के साथ भी कुछ यही हुआ। बीजेपी के दिग्गज नेताओं को भरोसा था कि हरियाणा उनके हाथ से कहीं नहीं जाएगा, लेकिन जो नतीजे सामने आए उसने सभी को हैरान करके रख दिया। चुनावी अखाड़े में ना तो बीजेपी के वादों के दाव काम आए और ना ही विपक्ष पर निशाने। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों को पूरा एक महीना बीत चुका है। नतीजों में बीजेपी 40 सीटें लेकर सबसे बड़ी पार्टी भले ही बन गई हो, भले ही बीजेपी ने हरियाणा में एक बार फिर से सरकार बना ली हो, लेकिन पार्टी को एक टीस हमेशा ही रहेगी और वो है 75 पार के अपने लक्ष्य को ना छू पाने की। चुनाव से पहले बीजेपी को पूरा यकीन था कि वो 75 से ज्यादा सीटें लेकर आएगी, लेकिन जाटलैंड में ना तो सरकार का हिंदुत्व का एजेंडा काम आया और ना ही बड़े बड़े वादे। हम लोगों ने इस इलाके में, क्योंकि ये खेल खिलाड़ियों का इलाका है, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हमारी राई में बनाई है। जो स्पोर्ट्स स्कूल होता था उसको स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बना दिया। वहां पर जो हमारे बहुत बड़े नामी ग्रामी खेलों में जिन्होंने यानी नाम कमाया है, कपिल देव जी, उनको उसका चांसलर बना दिया है। कपिल देव को चांसलर बनाया ताकि खेलों में हमारे इलाके के अंदर नौजवान नवयुवतियां सब शुरू से ही, चाहे बचपन है चाहे कॉलेज में पढ़ने वाले नौजवान हैं, सब खेलों के अंदर रुचि लेके आगे बढ़े, उनको खेलों का ज्ञान और ज्यादा ज्यादा हो, इसलिए हमने किया है। इतना ही नहीं, जिन युवाओं की बात बीजेपी करती थी, जिन युवाओं को रोजगार देने का वायदा खुद सूबे के मुखिया ने किया था, शायद वो वायदे भी बीजेपी की झोली में उतनी सीटें नहीं ला सके जितनी की उम्मीद बीजेपी कर रही थी। आज हमने 72,000 नौकरियां सरकारी दी है। विपक्ष वालों ने खूंटे ठोके खूब, कभी स्टे लगवा दो, कभी ये चैलेंज कर दो, कभी वो चैलेंज कर दो। ये अगर तंग नहीं करते ना, सरकारी नौकरी भी 1,00,000 से पार जाती है। और संयोग ऐसा कि इसका सबसे ज्यादा लाभ अगर हुआ है तो ये दक्षिण हरियाणा को हुआ है। सबसे ज्यादा लाभ मुझे पता लगा, एक एक गांव में 30-30, 40-40, 50-50 लोग बच्चे जो है हमारे नौकरी में लगे हैं। और ऐसे गरीब परिवारों के, खेती में काम कर रहा है, SMS पहुंच गया उसके पास, मोबाइल तो हर कोई रखता ही आजकल, चाहे खेती में काम करे तब भी SMS पहुंच गया, तेरी सिलेक्शन हो गई है, जा 24 घंटे के अंदर अंदर या तो पुलिस की मधुबन में जाकर ज्वाइन कर ले या फिर पंचकुला में ज्वाइन कर ले, 24 घंटे ज्वाइन कर ले, नहीं तो स्टे लगा पाओगा। और स्टेशन भी पूछ के दिए, बोल भाई कौन सा स्टेशन चाहिए, 2-4-5 लिख दे, कंप्यूटर फटाफट सारे भर देते हैं, एक क्लिक से उसका स्टेशन आ जाता है। हम नहीं कहते कि हाँ किसको कहाँ दो, जो चाहिए वहां दो उनको। चुनावी अखाड़े में बीजेपी ने सिर्फ वादों का ही दाव नहीं चला बल्कि अपने कार्यों को भी याद दिलाने की कोशिश कराते हुए विरोधियों को पटखनी देने की कोशिश की। और जहां तक इलाके की बिजली है, इलाके की बिजली तो हम पर्याप्त देती है, अब इसमें मुझे लगता नहीं है कि भी कहीं कोई कमी रहेगी। पिछला एक साल कोई धरना नहीं, प्रदर्शन नहीं, रोड जाम नहीं, तो पहले हर साल होते थे। बताइए पिछले एक साल में कोई धरना प्रदर्शन जाम हुआ बिजली को लेकर? नहीं हुआ ना। और बल्कि कई जगह तो 4,200 गांव ऐसे 24 घंटे बिजली जा रही है, वहां के किसानों ने तो कहना शुरू कर दिया कि थोड़ी बिजली कम कर दो। मैंने कहा क्यों, क्योंकि बिल ज्यादा आने लग गए। ये राजनीति का अखाड़ा है और यहाँ हर एक वोट के लिए बड़े बड़े दांव चले जाते हैं, वोटरों को दिल खोलकर सपने भी दिखाए जाते हैं, तो विरोधियों पर निशाने साधकर भी अपनी सियासी जमीन तलाशी जाती है।
हरियाणा में भी जो इन्होंने किया है वो कम नहीं किया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का दूसरा नाम भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार में किस कदर डूबा रहा यह, इसके सारे किस्से सामने हैं। विधानसभा में खड़े होकर के बड़ी चौड़ी छाती करके उन्होंने कहा कि करा लो कोई भी इंक्वायरी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जब इंक्वायरियां होने लगी तो जाकर के कोर्ट में खड़ा हो गया इनका एक वकील कि भाई धिंगड़ा कमीशन की जो रिपोर्ट है ना उसको रोको। हमने सिस्टम बदले, हमने भ्रष्टाचार को खत्म किया, हमने पारदर्शी शासन चलाया। भ्रष्टाचार करने वाले तो इंतजार में बैठे कब कब उनका नंबर आ जाए जेल में जाने का। और ये कांग्रेसियों ने सारे देश में भ्रष्टाचार किया, अब उनका खेल नहीं चलेगा। चिदंबरम तेरी जेल, सोनिया तेरी बेल, राहुल का खेल कांग्रेस हुई। सूबे के मुखिया ने तो चुनावी रैली में ये तक कह दिया था कि हरियाणा वासियों ने एक बार फिर से ईमानदार सरकार बनाने की ठान ली है। आज चुनाव की हमारी तैयारी है, पूरे प्रदेश में घूम रहा हूं मैं, लगभग मेरी 60 विधानसभाएं होने को जा रही हैं। और इन 60 विधानसभाओं में जहां जहां मैं गया हूं भारतीय जनता पार्टी के फेवर में इतना बढ़िया माहौल है कि इस माहौल को देखते हुए कहा जा सकता है निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी की ओर से सूबे के मुखिया ने तो मोर्चा संभाला था, लेकिन शायद दूसरे नेता इस उम्मीद में बैठ गए थे कि मोदी लहर में 75 से ज्यादा सीटें बीजेपी की झोली में आ जाएंगी, ज्यादा सीटें बीजेपी को मिले। इसके लिए बीजेपी ने कई ऐसे चेहरे भी चुनावी मैदान में उतारे थे जिनकी फैन फॉलोइंग काफी अच्छी थी, लेकिन ना तो लोगों के बीच चर्चित चेहरे बीजेपी के नैया को पार लगाने वाले खेवैया बन सके, और ना ही वो चेहरे जिन पर बीजेपी ने भरोसा किया था। यहाँ तक कि कई मंत्री और बड़े चेहरे भी अपनी सीट को नहीं बचा सके, जिसका नतीजा निकला कि अब प्रदेश में समझौते की सरकार है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। हरियाणा में विधानसभा चुनावों के परिणाम वाकई में चौंकाने वाले थे। इसमें सबसे ज्यादा जिसने चौंकाया था वो थी कांग्रेस, क्योंकि आपसी गुटबाजी से हाशिए पर पहुंची पार्टी ने 31 सीटें जीतकर बेहतर प्रदर्शन किया था। हरियाणा विधानसभा चुनाव की शुरुआत ही बड़े शानदार तरीके से हुई, क्योंकि एक ओर बीजेपी 75 पार पर अड़ी थी तो दूसरी ओर जननायक जनता पार्टी पहली बार डेब्यू कर रही थी। इनेलो की हालत नाजुक थी, ये सबको पता था, लेकिन कांग्रेस जिसको 2014 में केवल 15 सीटों से संतुष्टि करनी पड़ी थी उसको हर पार्टी का मार्क रही थी। शायद लोकसभा चुनाव का खुमार अभी तक उतरा ही नहीं था, लेकिन किसको पता था कि टिमटिमाता दिया नतीजों के दिन सबके दिलों में ही आग लगा देगा, और खास करके बीजेपी के लिए कि वो त्रिशंकु के जाल में फंस गई। 2019 के परिणाम, बीजेपी को मिली 40 सीटें, कांग्रेस को 31, जेजेपी को 10 सीटें, इनेलो को मात्र एक, और अन्य 9 उम्मीदवारों ने चुनावी रण में फतेह हासिल की। कांग्रेस की कमान सबसे पुराने चेहरे को दी गई। भरोसा था कि 10 साल तक प्रदेश को संभालने वाले पार्टी को भी संभाल ही लेंगे, जिसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में न केवल हुड्डा ने पार्टी का मार्गदर्शन किया बल्कि विधानसभा चुनाव के लिए एक अच्छी रणनीति तैयार की। जाट वोट जो 2014 में दो पार्टियों के बीच बट गए थे उन्हें कांग्रेस के पाले में लाने में काफी हद तक वो सफल भी रहे। कांग्रेस की कमान हुड्डा के हाथ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा में एक बार फिर बने संजीवनी। आला कमान ने हुड्डा को बनाया हरियाणा में चेहरा। विधानसभा चुनाव ऐलान से महज 15 दिन पहले लिया था फैसला। यूं तो ये भी कहा गया कि अगर संगठन में पहले बदलाव कर दिया जाता तो पहले ही तैयारी हो गई होती तो कांग्रेस के पलड़े में कई और सीटें आने की पूरी संभावनाएं थी। लेकिन 15 से 31 तक का सफर भी आसान नहीं था, क्योंकि कांग्रेस ने कई नए और पुराने चेहरों के साथ दांव खेला था, जिनमें से कई बड़े चेहरे फेल हो गए, लेकिन कई नए चेहरों ने कांग्रेस का बेड़ा पार करा दिया, जिसकी सबसे बड़ी वजह थी चुनाव से कुछ दिन पहले बदलाव की लहर, और इसी लहर के चलते बीजेपी त्रिशंकु सरकार में फंस गई।
यूं तो चुनाव में हर चैनल ने अपनी अपनी राजनीति की पकड़ को ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल के तौर पर जनता के समक्ष पेश किया और हर किसी ने बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिखाया और कांग्रेस का हरियाणा में सुपड़ा साफ कर दिया। लेकिन हरियाणा का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल हरियाणा न्यूज ने अपने ओपिनियन और एग्जिट पोल में एकदम सटीक रिपोर्ट दिखाई, जो नतीजों के न केवल पास रहा बल्कि नतीजों से बिल्कुल मिलता जुलता रहा। नतीजों ने हमारे ओपिनियन पोल को सही बताया, नतीजों ने हमारे एग्जिट पोल पर मुहर लगाया। यूं तो नतीजों ने कई हद तक कांग्रेस को वापसी करवाई, लेकिन बीजेपी जेजेपी ने आपसी साठगांठ से सब बदल दिया। लेकिन 2014 में नतीजे और 2019 के नतीजों से ये साफ कर दिया है कि कांग्रेस जानती है कि हारी हुई बाजी को कैसे जीता जाता है। हुड्डा ने अहम भूमिका अदा जरूर की है, लेकिन 75 पार के नारे को फेल करने में कांग्रेस का बड़ा हाथ रहा है। 24 नवंबर यानी कि विधानसभा चुनाव के नतीजों को आए एक महीना पूरा हो जाएगा। गठबंधन सरकार बनी कांग्रेस ने विपक्ष की कुर्सी संभाल ली, लेकिन जनता ने अपने दिल की बात सबके सामने रख दी कि आखिर जनता क्या चाहती है। लेकिन नतीजों का सबसे साफ विश्लेषण हरियाणा न्यूज ने दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। हरियाणा में विधानसभा चुनाव में कई दिग्गजों की हार हुई, इसमें कई कैबिनेट मंत्री शामिल थे। कई राजनीति विश्लेषकों ने इसे बड़े नेताओं का आत्मविश्वास बताया था, जिसके चलते उनको अपनी विधानसभा में हार का मुंह देखना पड़ा। हरियाणा में विधानसभा चुनावों को बीते समय तो काफी हो गया, लेकिन हार के जख्म राजनीतिक दलों के लिए आज भी ताजे ही हैं। इसीलिए लगातार हार पर मंथन किया जा रहा है। विधानसभा चुनावों में उम्मीद से कम सफलता का कारण जानने के लिए बीजेपी मंथन कर रही है। इसी को लेकर गुरुग्राम में बीजेपी की समीक्षा बैठक हुई, जिसका मकसद हार पर मंथन करना ही था। बीजेपी को यह बखूबी मालूम है कि हार के मंथन से ही भविष्य में जीत का मंत्र हासिल होगा, इसीलिए छोटे बड़े किसी भी चुनाव में पार्टी उन गलतियों को नहीं दोहराएगी, जिसके चलते बड़ा लक्ष्य लेकर चली पार्टी 40 सीटों पर सिमट गई। कैबिनेट मंत्री कविता जैन तीसरी बार विधानसभा में पहुंचने को लेकर आश्वस्त थी, लेकिन सुरेंद्र पवार की रणनीति ने उनका हैट्रिक लगाने का सपना तोड़ दिया। जनता की नाराजगी कविता जैन पर भारी पड़ गई और 32,878 मतों के अंतर से सुरेंद्र पवार के सिर पर जीत का सहरा बंध गया। इस तरह प्रदेश सरकार में अकेली महिला मंत्री रही कविता जैन जीत की हैट्रिक बनाने से चूक गए, जबकि उनके प्रतिद्वंदी सुरेंद्र पवार पहली बार विधायक बने। कविता जैन ने 10 साल पहले इस सीट को कांग्रेस से छीना था, तो अब कांग्रेस ने फिर से इसे हासिल कर लिया। सोनीपत शहर में समस्याओं का अंबार लगा होने के बावजूद उनका समाधान नहीं होने के साथ ही आम जनता की सुनवाई नहीं होना कविता जैन को भारी पड़ा है। नारनौद विधानसभा से कैप्टन अभिमन्यु हार गए। कैप्टन अभिमन्यु जिस नारनौद को अपना घर बताते पिछले 5 साल से विकास कार्यों को दुहाई दे रहे थे, उसी हलके के उनके अपने लोगों ने उन्हें न केवल हार का मजा चखाया बल्कि करारी हार झेलने को मजबूर कर दिया। ये आलम तब है जब कैप्टन के लिए सनी देओल जैसी फिल्मी हस्ती और मुख्यमंत्री से लेकर अनेक केंद्रीय नेताओं ने प्रचार किया। दूसरी ओर राजकुमार गौतम के लिए जेजेपी नेता और पूर्व सांसद दुष्यंत चौटाला, नैना चौटाला और दिग्विजय चौटाला चुनाव प्रचार के लिए आए थे। आपको बता दें कि कैप्टन को इस बार 61,406 वोट मिले, जबकि जेजेपी के राजकुमार गौतम को 73,435 वोट प्राप्त हुए। इस प्रकार जेजेपी के राजकुमार गौतम 12,029 वोटों से जीत गए। महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी रामविलास शर्मा को हार का सामना करना पड़ा। रामविलास मनोहर सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, ऐसे में उनकी हार से बीजेपी को बड़ा झटका लगा। रामविलास का मुकाबला कांग्रेस प्रत्याशी रावदान सिंह से था। दोनों 7वीं बार आमने सामने थे। दोनों के बीच 6 बार हुए मुकाबले में दोनों 3-3 बार विधायक रहे। वैसे महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र से अब तक रामविलास शर्मा 5 बार जबकि रावदान सिंह 3 बार चुनाव जीत चुके हैं। इस सीट पर हमेशा बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही मुकाबला रहा है।
कृषि मंत्री ओपी धनखड़ के चुनाव मैदान में उतरने से बादली विधानसभा सीट प्रदेश की हॉट सीटों में से एक रही, लेकिन धनखड़ हार गए। धनखड़ के पक्ष में बीजेपी सांसद और एक्टर सनी देओल ने प्रचार भी किया था, लेकिन वो जीत नहीं सके। बीजेपी उम्मीदवार ओपी धनखड़ 2014 में यहां से विधायक चुने गए थे और तत्कालीन सरकार में वो मंत्री भी रहे। करीब 11,000 वोट से उन्होंने निर्दलीय कुलदीप वत्स पर जीत दर्ज की थी। कुलदीप वत्स को इस बार कांग्रेस ने मैदान में उतारा। मुकाबला यहां पर पहले ही आमने सामने का लग रहा था, लेकिन जेजेपी के संजय कबलाना ने सभी समीकरण बिगाड़कर मुकाबले को तिकोना कर दिया। इसराना विधानसभा से बीजेपी के दिग्गज मंत्री कृष्णलाल पवार 19,927 वोट से हार गए। कृष्णलाल पवार मनोहर सरकार में परिवहन मंत्री रहे। इन्हें कांग्रेस के बलबीर वाल्मीकि ने हराया, जिन्हें 60,825 वोट मिले। 2014 में उन्होंने कांग्रेस के बलबीर सिंह को हराया था और सरकार में परिवहन, आवास और जेल मंत्री बने। खैर, सियासत के इस रंग को शायद बीजेपी चुनावों के समय नहीं समझ पाई थी, इसीलिए 47 से 40 सीटों पर ही पार्टी को इत्मीनान करना पड़ा। लेकिन प्रदेश में स्थिर सरकार बनने के बाद अब समय है कि फिर से पार्टी के भीतर के उस जज्बे को बरकरार रखा जा सके और साथ ही पार्टी के दिग्गज नेताओं की हार के कारणों को तलाशा भी जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।